दोस्तों जितने भी कोर्सेज आप करते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी कॉलेज से, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं और मैं जैसा हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से आपको बोलता हूं कि स्किल्ड कोर्स करने चाहिए। सिर्फ आपको किताबें पढ़ने के बाद में आपने कुछ भी वहां से ज्ञान लिया, उसको सिर्फ आप लिख कर आगे प्रैक्टिकली आपने कुछ नहीं किया, तो मेरा मानना है जो क्वालिटी एजुकेशन आपके अंदर होनी चाहिए या फिर इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में जब आप बाहर निकलोगे जॉब पाने के लिए या फिर सामने जो आपके बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स आते हैं उन कॉम्पिटिशन्स को तब तक आप क्रैक नहीं कर पाओगे जब तक उस चीज की पूरी नॉलेज नहीं होगी। स्किल्ड आपको होना चाहिए, स्किल्ड कोर्सेज आपको करने चाहिए। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं अपने हिंदुस्तान में जो कराए जाते हैं, उन्हीं में से एक कोर्स आता है BHM। दो तरह से इसको आप बोल सकते हो, या तो आप बोलिए इसको बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट या आप कहिए BSc इन होटल मैनेजमेंट। क्या है डिफरेंस दोनों के अंदर, BSc होटल मैनेजमेंट करें या BHM करें, दोनों में डिफरेंस क्या है, ड्यूरेशन कितना है दोनों का, कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज है, कौन से अच्छे कॉलेजेस है, किस कंट्री से करें, क्योंकि ये कोर्स बहुत सारी कंट्रीज में कराया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल डिप्लोमा सर्टिफिकेट या फिर ये बैचलर डिग्री करने के लिए जाते हैं अब्रॉड में, खास करके सिंगापुर में जाते हैं। जैसे मैंने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई है सिंगापुर में होटल मैनेजमेंट कोर्स कैसे कराया जाता है, हिंदुस्तान में अपने इंडिया में ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप होटल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे प्लेसमेंट्स भी मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं कि फीस लाखों में आपको देनी होगी, कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, कई सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी फीस कम भी है। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट करें, BSc आप होटल मैनेजमेंट करें, ड्यूरेशन क्या है, फीस क्या है, अच्छी यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों पर आज मैं डिस्कस करूंगा अपनी इस वीडियो में। क्योंकि हमारी पिछली कई सारी वीडियोस में आप लोगों ने जो सवाल पूछे कि सर वीडियो बनाइए BHM पर, क्योंकि BHM में हमें एडमिशन लेना है, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी रहेगी, इन सब पर डिस्कस करते हैं। और ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट BHM आप शॉर्ट में इस कोर्स को बोल सकते हो या BSc इन होटल मैनेजमेंट भी आप इसको कह सकते हो, डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी किस चीज में आपका एडमिशन ले रही है। पर मेरी एडवाइस आपको यही है कि आप जब एडमिशन लें बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट BHM नॉर्मल कोर्स ये है, आप इसी में आप एडमिशन लें। स्किल्ड कोर्स है, आपको ये कोर्स करने के बाद में प्रैक्टिकली जो होगा आगे जाकर हॉस्पिटैलिटी लाइन में या होटल्स लाइन में, वह प्रैक्टिकल ही जो आपने सीखा होगा वही आपके काम आएगा। किताबी ज्ञान इतना ज्यादा काम इसमें नहीं आता है आपके लिए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, बट उसके अंदर आप ये जरूर देख लें किचन जो वो लोग बनाते हैं या फिर रेस्टोरेंट टाइप का जो लुक देते हैं या फिर कितने अच्छे से हॉस्पिटैलिटी आपको सिखाई जा रही है, आपको ये चीज दोस्तों पता होनी चाहिए। और अगर मेरा मानना है किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया और ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो वहां से आप कन्नी काट लेनी चाहिए, जल्द से जल्द वहां से आपको निकल जाना चाहिए वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। क्योंकि जैसे ही आप ये कोर्स कर लेते हैं तो कुछ जॉब के अच्छे अच्छे ऑप्शन आपके सामने आते हैं। कौन कौन से आते हैं, किचन शेफ बन जाते हैं आप, जो शेफ की बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है, लाखों तक सैलरी होती है पर मंथ की उनकी, डिपेंड करता है कितनी अच्छी नॉलेज आपको है। फ्रंट डेस्क ऑफिसर आप बन सकते हैं, फ्रंट डेस्क ही अगर अच्छा नहीं होगा किसी होटल का, किसी भी हॉस्पिटैलिटी जो भी इंडस्ट्री है वहाँ का, तो मेरा मानना है कि जो कस्टमर्स जो आते हैं या जो भी कोई आपके गेस्ट आएंगे उन्हें आप क्या सर्विस प्रोवाइड करवाओगे, ये सोचने वाली बात है। अकाउंटिंग मैनेजर की भी बहुत सारे लोग जॉब पा लेते हैं इस होटल इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों होटल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहां जहां टूरिज्म फैलेगा, जहां जहां टूरिस्ट स्पॉट बनेंगे, जहां जहां लोग घूमने जाएंगे वहां वहां इस कोर्स की बहुत डिमांड है। और ये ऐसा कोर्स है जो कभी भी खत्म होने वाला नहीं है, बहुत सारे जॉब के ऑप्शन हैं, बहुत सारे होटल्स हैं, आप वहां जाइए। जैसे अपने देश में गोवा में बात करें तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत आगे है, आप अंडमान निकोबार में देखें बहुत सारे होटल्स हैं, होटल्स हर जगह है, कहाँ नहीं है, कश्मीर में भी है। आपने कॉमनवेल्थ जब गेम हुए तब अपना जो ये हॉस्पिटैलिटी के जितने भी जो पास किए हुए BHM स्टूडेंट्स थे उनकी बहुत डिमांड आई थी। आप चाहे तो सिंगापुर चले जाएं, सिंगापुर बहुत बड़ी एक मार्केट है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की, बहुत बड़ी ये मार्केट है। आप इसमें अकाउंटिंग मैनेजर जॉब कर सकते हैं, क्योंकि पूरे होटल का पूरे ही चीज़ों को देखना, जो अकाउंटिंग मैनेजर बनते हैं उनकी बहुत अच्छी खासी सैलरी होती है। आप एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बन सकते हो कोर्स कंप्लीट करने के बाद में, आप कैटरिंग ऑफिसर बन सकते हो, साथ में कैबिन क्रू भी आप बन सकते हो। अब आप ये सब बन तो जाओगे, ये सब जॉब आपको मिल भी जाएगी, पर ये सब जॉब मिलने से पहले आपको जो रास्ता तय करना होगा, जो अपना सफर तय करना होगा, वो होता है एडमिशन लेना और उसे आगे बढ़ाना। अब उसको आप कैसे बढ़ाओगे आप वो भी थोड़ा समझ लीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो आप जान लीजिए ड्यूरेशन क्या होता है, कोर्स को कंप्लीट करने के लिए ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप BTech करते हो 4 साल का होता है, बट वो भी एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम वो होता है।
बट उसके अंदर 4 साल का होता है, बाकी जैसे कोर्सेज आप देखोगे 3 साल के होते हैं, जैसे बीवोकेशनल में जो कोर्स होते हैं सारे 3 साल के हैं, क्योंकि 3 साल की डिग्री को ही हम लोग यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट डिग्री मानते हैं। बट एक्सेप्शनल बहुत सारे केसेस होते हैं, बीटेक उसमें आता है और उसी में बीएचएमबी आता है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, 4 साल का होता है दोस्तों ये कोर्स। वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बीएससी एचएम करवाती हैं, मतलब बीएससी इन होटल मैनेजमेंट करवाती है, वो 3 साल का कोर्स करवाती है। और मैं एक बात और आपको बता दूं, आपने डिप्लोमा किया 3 साल का तो आपको यहाँ लेटरल एंट्री में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। आप बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज चूज करें, आपके पास ऑप्शंस नहीं है आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ में ही यूनिवर्सिटी को विजिट करें, जाकर देखें और खास करके ये जरूर देखें जो एचएम की जो पूरी बिल्डिंग बनी है उन लोगों की, किचन देखें, किचन किस टाइप के बना रखे हैं, रेस्टोरेंट किस टाइप का बना रखा है, आपको मतलब कि प्रैक्टिकली क्या कुछ सीखने वाले हो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद। जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आप गए एडमिशन सेल में, तो वो पूरी यूनिवर्सिटी आपको घुमाएंगे दोस्तों, और पूरी यूनिवर्सिटी घूमने से अच्छा है आप सिर्फ उन चीजों को देखें जहां पर आप अपने कोर्स के लिए वो स्टडी करने वाले हैं। सिर्फ किताबी पढ़ाई से, सिर्फ वो किताबें आपको पढ़ाना शुरू कर दें और कुछ सिखाएं नहीं प्रैक्टिकली, तो आपके साथ समस्या हो सकती है। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया कि ये 3 साल का होता है, मतलब 4 साल का प्रोग्राम एग्जैक्टली है ये, आप बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट करते हैं, बीएससी एचएम लोग 3 साल करवा देते हैं, और अगर आप लेटर एंट्री में जाते हो तो 1 साल कम हो जाता है डिप्लोमा करके अगर आप जाते हो। एलिजिबिलिटी क्या है, 12वीं पास होनी चाहिए, आप 12वीं पास आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ऐसा नहीं किसी ऑटोनॉमस बॉडी से आप कर लो, प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ। कोर्स तो कंप्लीट करवा देगी यूनिवर्सिटी बट बाद में आपके साथ समस्या होगी। कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, 50% मार्क्स आपके मिनिमम होनी चाहिए, और एक जो मैंडेटरीली जो जरूरत है इंग्लिश आपको आनी चाहिए, क्योंकि आप एक होटल इंडस्ट्री में जाने वाले हैं, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। इंग्लिश आपको नहीं आती है, आप सीख लें इंग्लिश को, बहुत अच्छी बात है, बहुत सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस खुले हुए हैं जो आपको इंग्लिश सिखाएंगे। साथ में ही आप जब भी एडमिशन लेंगे, डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं, एंट्रेंस बेस भी होते हैं। एंट्रेंस तो बहुत कम यूनिवर्सिटीज लेती हैं, डायरेक्ट एडमिशन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज दे देंगी। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में पहले हमने वीडियो बनाया था, कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, या एडमिशन लेने में आप हमारी हेल्प भी ले सकते हैं। जो नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप करें या फिर हमारी वीडियो में आप कमेंट करें, हम आपको बता देंगे कौन से आप कॉलेज में एडमिशन जाकर ले सकते हैं। और किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप अगर एडमिशन ले रहे हैं, आप कंपेयर करना चाहते हैं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से, तो भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे। डायरेक्ट एडमिशन आपका आसानी से हो जाएगा। अब जब आप एडमिशन ले लेंगे तो एक क्वेश्चन आता है, फीस कितनी होगी? दोस्तों फीस 50,000 रुपये पर ईयर से लेकर 2.5 लाख रुपए पर ईयर तक फीस हो सकती है। 50,000 से 1 लाख के बीच में पर ईयर में आपको अच्छी खासी यूनिवर्सिटीज मिल जाएंगी। आपको ना मिले हमें बताना, हम आपको अच्छे ऑप्शंस दे देंगे। इसके अंदर जो सब्जेक्ट्स आते हैं या स्ट्रीम्स की बात अगर हम करें, तो इसमें फाउंडेशन कोर्स होता है फूड एंड बेवरेज को लेकर, जो फूड बेवरेज में सर्विसेज आप कैसे करेंगे। साथ में फाउंडेशन कोर्स होता है आपका फ्रंट ऑफिस को लेकर, फ्रंट ऑफिस में मतलब किस तरह से प्रेजेंट करेंगे अपने आप को, आप फ्रंट डेस्क को आप कैसे देखेंगे। होटल इंजीनियरिंग एक अलग तरह की चीज होती है पढ़ाने के लिए, वो इतना काम नहीं आएगी बट होती है। न्यूट्रिशन किस तरह से, मतलब आप वहाँ सर्व कर रहे हैं, न्यूट्रिशन बताना सामने वाले को, ऐसे बहुत सारी चीज सिखाई जाती है इसके अंदर प्रैक्टिकली आपको। कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाई जाती है इसके अंदर आपको, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी के बारे में बताया जाता है आपको, रिसर्च मेथोडोलॉजी बताया जाता है, इसमें बहुत कुछ पढ़ाने की चीजें हैं दोस्तों। मैनेजमेंट टूरिज्म बताएंगे आपको कि टूरिज्म का मैनेजमेंट किस तरह से देखा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट बताएंगे आपको, अकाउंटिंग मैनेजमेंट बताएंगे आपको, बहुत सारे लोग तो इसके अंदर अकाउंटेंट बन जाते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती हैं लगातार, बस डिपेंड करता है आपने जो कोर्स किया उसकी आपको अच्छे से दोस्तों नॉलेज होनी चाहिए। जब तक नॉलेज नहीं होगी, प्रैक्टिकली आपको पता नहीं है कोर्स के बारे में, तो कोर्स करना ही बेकार है आपके लिए, कोई फायदा उससे होगा नहीं। आप कोर्स तो कंप्लीट कर लोगे बट कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी कहीं पर भी आपकी नौकरी नहीं लगेगी। और उसके लिए मैं आपको फिर बताता हूं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना, सर्टिफिकेट डिप्लोमा करना, आप सिंगापुर चले जाइए। सिंगापुर में बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जो करवाते हैं, इसमें हम आपकी मदद कर देंगे। और साथ में इंडिया में भी जितनी भी आजकल यूनिवर्सिटीज जो करवा रही हैं बीएचएम, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट जो करवा रहे हैं, वो सभी लोग आजकल तो इंटर्नशिप करने के लिए अब्रॉड भेजते हैं। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर हमने पहले वीडियो बनाए हैं जो कि आपकी इंटर्नशिप बाहर करवाएंगे, सिंगापुर में करवाएंगे या दूसरी अलग कंट्री में करवाएंगे, मॉरिशस में करवाएंगे, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उनमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी आप चाहते हैं होटल मैनेजमेंट को लेकर, किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, फीस के बारे में जानना चाहते हैं, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट के बारे में किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, आप जरूर बताएं, हम वीडियो लेकर आएंगे और आपके हर तरह के डाउट्स को क्लियर करने की हम कोशिश जरूर करेंगे। साथ में दोस्तों हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी जान सके क्या कुछ चल रहा है एजुकेशन की दुनिया में। और अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आपके लेकर आ सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।